इतने मुलायम, सॉफ्ट और स्पॉन्जी है कि जो मुंह में जाते ही घुल जाए, और ऊपर से अगर घर की बनी हुई इमली की चटनी और धनिया की चटनी डाल दी जाए तो इसका जो स्वाद है वो दुगना ही हो जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए सॉफ्ट, स्पॉन्जी और मुलायम दही बड़े की रेसिपी को लेकर आई हूँ। तो आइए आज की इस मज़ेदार रेसिपी को शुरू करते हैं। मेरे चैनल अर्थ किचन को सब्सक्राइब करें, यम्मी रेसिपीज़ को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जिन टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं आपको बताऊंगी, आपके भी दही बड़े उतने ही सॉफ्ट, स्पॉन्ज और मुलायम बनेंगे। तो आइए आज की इस मज़ेदार रेसिपी को शुरू करते हैं। दही बड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप उड़द की दाल ली है और 1 कप मूंग की दाल ली है, और इन दोनों को साथ में ही भिगाने के लिए कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए रख दिया है। अगर आप चाहें तो इसे पूरी रात भी भिगा सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि लगभग 5 से 6 घंटे हो चुके हैं और दाल जो है वो भीग के डबल हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे कि एक सीव लेंगे और उसके अंदर हम क्या करेंगे, इसका जो सारा पानी है वो निकाल देंगे। पानी निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जब भी हम बड़े इसके बनाएंगे तो वो तेल ज़्यादा सोख लेंगे और हमारे बड़े जो है वो सौगी हो जाएंगे। तो इसलिए पानी को पूरा निकालना बहुत ज़रूरी है। अब इस दाल को मैं ना मिक्सर जार में शिफ्ट कर दूंगी और यहाँ पे मैं इनको 2 बैचेस में पीस लूँगी, क्योंकि दाल हमारी जो है वो ज़्यादा है इसलिए। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसको जार में शिफ्ट कर दिया है और अब इसके अंदर मैंने इसको पीसते समय 1 या 2 टेबल स्पून पानी ही डाला, इससे ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं डालना है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा पहला बैच तैयार हो चुका है। इस तरह से ये मैंने यहाँ पर ये जो सेकेंड बैच है वो भी तैयार कर लिया है। तो आप देख सकते हैं हमारा पेस्ट कितना स्मूथ है। तो अब मैंने इस पेस्ट को एक बाउल के अंदर शिफ्ट कर दिया है और इनको कम से कम 8 से 10 मिनट तक इसको हाथ से फेंटेंगे। उससे क्या होगा कि हमारा जो बड़े का पेस्ट है वो हल्का और फ्लफ़ी हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल हल्का और फ्लफ़ी हो चुका है। हमारे बड़ा बनने का जो पेस्ट है वो तैयार है या नहीं, आप उसको एक दूसरे तरीके से भी चेक कर सकते हैं। उसके लिए आप एक बाउल में पानी डालें और उसमें से थोड़ा सा बोल के अंदर जो है ये हमारा पेस्ट डालें। अगर वो उसके ऊपर तैर रहा है, इसका मतलब हमारा जो पेस्ट है वो तैयार है। तो अब मैंने यहाँ पर इसके अंदर 1 चम्मच नमक डाल दिया है और 1/2 चम्मच जीरा डाल दिया है। मुझे ना अपने दही बड़े में 2 ही इंग्रेडिएंट्स पसंद है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर अदरक, हरी मिर्ची का पेस्ट, किशमिश या फिर चिरौंजी भी डाल सकते हैं। तो अब मैंने इन दोनों को यहाँ पर मिक्स कर दिया है और बड़े बनाने के लिए मैंने तेल को पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया है। आप छोटे बड़े जो साइज़ आपको पसंद हो उस शेप के आप बड़े निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 5 से 6 से ज़्यादा बड़े नहीं डाले हैं ताकि वो आसानी से फ्राई हो जाएं और उनको फूलने की भी जगह मिल जाए। इनको हमें मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है, क्योंकि अगर हम इनको लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो हमारे बड़े जो है तेल सोख लेंगे और वो बहुत ज़्यादा सौगी हो जाएंगे, और अगर हम इनको हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो हमारे बड़े जो है बाहर से रेड और अंदर से जो है बहुत टाइट हो जाएंगे। तब आप देख सकते हैं 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और जो बड़ों का कलर है वो भी चेंज हो गया है। तो हमें इनको गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि इनका जो बड़ों का कलर है वो गोल्डन ब्राउन आ चुका है। तो हम इनको जो है टिश्यू पेपर पर निकाल देंगे। इससे क्या होगा, जो एक्सेस ऑयल है वो इससे निकल जाएगा। अगर आप चाहें तो इन वड़ों को निकालने के स्ट्रेनर का यूज़ भी कर सकते हैं। यही प्रोसेस जो है मैं आपको रिपीट करके दिखाऊंगी। तो मैंने फिर से इसके अंदर जो है जिस साइज़ में आपको चाहिए उस साइज़ के आप वड़े जो इसके अंदर डाल दें, और ये कम से कम 3 से 4 मिनट जो होगा तब इनका जो कलर है अपने आप ब्राउन हो जाएगा और जो है ये अपने आप ही फूलने लग जाएंगे और साइड जो इनकी वो खुद ही चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने यहाँ को वड़ों को डाल दिया है और इनका जो कलर है वो 3 से 4 मिनट के अंदर गोल्डन ब्राउन कलर हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये अपने आप ही फूलने लग गए हैं और इनका जो कलर है वो अपने आप ही चेंज हो रहा है धीरे धीरे, और ये खुद ही साइड अपने आप चेंज हो जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं कि इन वड़ों का जो कलर है वो गोल्डन ब्राउन आ चुका है। हमने इनको मीडियम फ्लेम पर फ्राई किया है, हमें इनको लो फ्लेम पर फ्राई बिल्कुल नहीं करना है, ना ही हाई फ्लेम पर करना है, नहीं तो हमारे वड़े जो है सारे ख़राब हो जाएंगे। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि वड़ों का जो कलर है वो गोल्डन ब्राउन आ चुका है। तो हम इनको निकाल देंगे और टिश्यू पेपर पर रख देंगे ताकि जो इनका एक्सेस ऑयल है वो निकल जाएगा। आप अगर इसकी जगह चाहें तो स्ट्रेनर का यूज़ भी कर सकते हैं।
तो इस तरह से मैंने यहाँ पे इनको निकाल दिया है। अब यहाँ पे मैंने 25 से 30 वड़े जो है वो तैयार कर लिए हैं। इन गरम वड़ों को आप नारियल की चटनी या धनिया की चटनी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। तो अब आपको मैं ये वड़ा जो है वो तोड़ के दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बिल्कुल जाली बनी है और ये कितने सॉफ्ट और स्पॉन्जी है। आप देख सकते हैं ये कितने सॉफ्ट है और इनका कलर भी कितना अच्छा आया है। तो अब मैंने यहाँ पर एक बर्तन में हल्का गर्म पानी लिया है, इसके अंदर मैं यहाँ पे 8 से 10 वड़ों को डाल दूंगी। तो जब तक हमारे ये वड़े जो है वो सोक हो रहे हैं पानी के अंदर, मैंने यहाँ पर फ्रेश दही लिया है। इस दही को मैंने घर पर ही जमाया है। ये आप दही देख सकते हैं कि कितना चक्कीदार और एकदम गाढ़ा है। मैंने यहाँ पर पानी बिल्कुल ही नहीं डाला है। इसके अंदर अब मैंने यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक और 2 चम्मच चीनी डाल दी है और इसको मैंने बीट कर लिया है। तब आप देख सकते हैं कि हमारा जो ठंडा मीठा दही वो तैयार हो चुका है। और यहाँ पर वड़ों को भी मैंने पानी के अंदर डाला था, तो 25 से 30 मिनट हो चुके हैं और वड़ों की साइज़ जो फूल की डबल हो चुकी है। तो अब मैंने हाथ से इनका जो है पानी वो निकाल दिया। आप देख सकते हैं कि इससे करने से हमारा जो एक्सेस ऑयल है वो सारा निकल जाएगा, क्योंकि हमने इनको फ्राई किया था। तो इस तरह से मैं सारे वड़े निकाल दूंगी। तो अब हम इनकी प्लेटिंग करेंगे। उसके लिए यहाँ पे प्लेट के अंदर मैंने 4 से 5 वड़े डाल दिए हैं। उसके ऊपर जो हमने ठंडा मीठा दही तैयार किया था, जितनी आपको क्वांटिटी चाहिए, जितना कम ज़्यादा जितना आपको चाहिए आप दही डाल देंगे। फिर मैंने यहाँ पर घर की बनी हुई इमली की चटनी और हरी धनिया की चटनी को मैंने यहाँ पर डाल दिया है। इसका जो लिंक है वो आई बटन में भी दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने इनका लिंक डाल दिया, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे जो दही वड़े हैं वो तैयार है। इनको तो देख के मेरे मुँह में ही पानी आने लग चुका है। मैं आपको ये वड़ा जो है वो तोड़ के दिखाती हूँ, ये कितने सॉफ्ट स्पॉन्जी और मुलायम बने हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलती हूँ अपनी एक और नई यमी रेसिपी के साथ।